Norton's equivalent of the given network. इसमें ये dependent current source present है, इस voltage पे depend कर रहा है. Norton's equivalent find out करना है, that means हमें एक current source IN और उसके parallel में एक resistance RN find out करना है. Okay? एक cross terminal AB. ये जो आपके AB terminal के cross ये जो पूरा circuit है, that will be replaced by Norton's parameters IN and RN. So first we will see how to find IN, Norton's current. ये जो आपके open circuited load terminals हैं, इनको आप short कर दीजिए और इसके across जो current flow होगी, that is your ISC and it is nothing but your IN. Your ISC is IN. So your IN is ISC, short circuit current. तो इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसमें करंट सोर्सेस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस आर मोर एज कंपेयर टू योर वोल्टेज सोर्सेस सो अप्लाइंग केसीएल विल बी कन्वीनिएंट हियर करंट सोर्सेस हैं इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें यूजिंग केसीएल एट नोड्स ओके लेट दिस नोड बी V1 एंड दिस इज V2 यहां पे देखें ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड है तो इसका वोल्टेज कितना है Vx सेम वोल्टेज विल बी हियर सो वोल्टेज एट दिस नोड इज Vx Vx V1 एंड V2 V2 क्या होगा आपका ये इसको हमने शॉर्ट कर दिया है तो यहां पे वोल्टेज होगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप 0 यहां पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सो योर V2 विल आल्सो बी इक्वल टू 0 ओके वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स विल आल्सो बी 0 ठीक है तो यूजिंग KCL एट सबसे पहले V1 पे अप्लाई करते हैं हम KCL को इस नोड पे करंट की डायरेक्शन देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप गिवन है इसका मतलब है करंट इस पॉजिटिव हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ ही फ्लो हो रहा होगा तो हमें इसका डायरेक्शन ये लेना ज्यादा करेक्ट है अगर आप क्लॉकवाइज भी लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा और अगर ऐसी हिंट गिवन है तो आप उसे प्रेफर करें This is I1. इसको भी मैं इसी direction में ले लेती हूँ. This is I2. Okay? So apply KCL at V1. ये है आपकी outgoing current and these two are incoming current. So outgoing is V1 minus Vx divided by 3 and incoming is, one incoming is this, that is V2 minus V1 divided by 5 plus 10. This is the KCL applied at V1. Simplify कर लेंगे. LCM कितना आ जाएगा? 15. यहाँ पे 3 multiply. Okay. 3V1 minus 3V2 minus 3V1. यहाँ पे 5 multiply. 5V1 minus 5Vx. और ये जो 15 आपका LCM था, multiply it here. Now it becomes 150. ओके अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो आपका V1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8V1 Vx वैसा ही रहेगा V2 को हम क्या रखते हैं यहाँ पे 0 तो ये टर्म हमारी यहाँ से चली जाएगी इसको हमने ट्रांसफर कर दिया is equals to 150 this is first equation by applying KCL at V1 अब हम इसे V2 पे अप्लाई करते हैं KCL at V2 तो V2 पे हमने जब अप्लाई किया करंट्स कैसी हैं ये इनकमिंग है एंड दीस टू आर आउटगोइंग तो हम आउटगोइंग करंट्स पहले लिख लें तो आउटगोइंग करंट है आपकी V2 माइनस V1 दिस I2 करंट V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 5 ये जो हमने इससे पहले भी यूज की थी इज इक्वल्स टू 2 ये आपकी इनकमिंग करंट है एंड आउटगोइंग करंट है And this is also outgoing current, ISC. ठीक है? Plus ISC is equals to your only incoming current, that is Vx by 4. अच्छा एक चीज आप ISC का direction भी arbitrarily आप इसको clockwise या anti-clockwise कुछ भी ले सकते हैं ठीक है मैंने इसे clockwise इसलिए किया क्योंकि दोनों current sources का direction मुझे दिख रहा है कि they are इन दिस डायरेक्शन तो ये इसको करंट क्लॉकवाइज में ही देंगे
आपके अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा अगर डायरेक्शन आपकी करेक्ट नहीं आई। ठीक है, तो ये है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 vx, ये 4 आपका इधर आ जाएगा 4v2 माइनस 4v1, ये 20 आपका जो इसका LCM था ये इसके साथ आ जाएगा प्लस 20 ISC। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें v2 को आप फिर से 0 पुट कर दीजिए तो ये वाली टर्म यहाँ से चली जाएगी। अब इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 20 ISC इज इक्वल्स टू 4v1 प्लस 5vx। ठीक है, 4v1 यहाँ पे लिखूं, 4v1 प्लस 5vx इज इक्वल्स टू 20 ISC। ठीक, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग KCL एट v2। ठीक, यहाँ पे 1, 2, 3 हमारे अननोन्स हैं एंड 2 इक्वेशंस आ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन वी विल फाइंड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ड्रॉप एट दिस, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है वोल्टेज ड्रॉप, vx इज इक्वल्स टू ड्रॉप ऑफ दिस v1 इज द टोटल वोल्टेज एंड द ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम इज vx। तो v1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज 2, ओके 6। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज आपका v1 है फ्रॉम रेफरेंस टू v1, कितना रेफरेंस टू v1, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या है vx, और वो v1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय द सम, दैट इज v1/2, कितना आ गया आपका v1/2। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, vx इज इक्वल्स टू v1/2 हियर, v1/2, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 v1/2। तो 11 v1/2 इज इक्वल्स टू 150, 11 v1/2, सो योर v1 इज 2 यहां मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 11, v1 इज 300/11, ओके ये आपकी v1 की वैल्यू आई। vx हमें पता है, vx इज v1/2, तो क्या हो जाएगा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 8 और 5 13, 13 v1/2, v1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 300/11, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 300/11, तो ये 20 को भी हम यहीं ले आए नीचे, ये वाले 20 को, तो ये कितना हो गया 40। सिंप्लीफाई करके हम ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ISC कितना हो गया हमारा ये 15, तो ये आपका हुआ 195 डिवाइडेड बाय 22 इज द वैल्यू ऑफ ISC एंड इट इज नथिंग बट योर नॉर्टन्स करंट, ओके 195 डिवाइडेड बाय 22। फाइंड RN, वी विल मेक सम चेंजेस इन द सर्किट, जो ये आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगी, और ये जो आपका AB टर्मिनल है यहाँ पे आइदर अप्लाई 1 volt टेस्ट वोल्टेज और 1 ampere करंट सोर्स। तो यहाँ पे मैं 1 ampere का करंट सोर्स अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हमें KVL यूज करके 1 volt भी यूज कर सकते हैं। तो इस एम्पियर के कारण, 1 ampere के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस AB टर्मिनल, दैट इज v0। सो योर RN विल बी v0 डिवाइडेड बाय 1 ampere। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट दिस v0, ये जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस, द सेम वोल्टेज विल बी हियर बिकॉज नो एलिमेंट इज प्रेजेंट हियर इन दिस ब्रांच। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा v0, ओके। अब ये नोड आपका नहीं है, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है इस टोटल लूप में, दैट इज i1, दिस i1 करंट, v0 एंड vx, ओनली 2 नोड्स आर देयर। नाउ अप्लाई KCL एट v0 नोड। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी आउटगोइंग करंट एंड देर आर टू इनकमिंग. तो आउटगोइंग करंट इज वी नॉट माइनस यू कैन टेक अप टू रेफरेंस और यू कैन टेक टिल दिस इन दिस ब्रांच वी नॉट माइनस वी एक्स. आप कुछ भी ले सकते हैं. अगर वी एक्स तक लेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करने, अदरवाइज ये तीनों रेजिस्टेंस लेने हैं अगर आप वी नॉट माइनस जीरो ग्राउंड तक लेते हैं. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 8 हम मैंने केवल इस पॉइंट तक लिया जहां आपको वोल्टेज वी एक्स है. ये इनकमिंग करंट है, दूसरी इनकमिंग करंट है 1 एम्पियर. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 8 एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा. यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 हमारा यहाँ पे चला जाएगा. सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 3vx माइनस 3vx इज इक्वल्स टू 8. दिस इज अवर इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग केसीएल एट वी नॉट. ओके, अब हमें सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? ये जो आपका vx है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज V नॉट. सो योर वी एक्स इज नथिंग बट द ड्रॉप ड्यू टू V नॉट अक्रॉस 3 ओम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड दे आर 11. सो योर V नॉट इज 11 बाय 3. Vx इज 3 बाय 11 V नॉट. ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर 3 बाय 11 इज 3 by 11 V naught. Okay, Vx को हमने किससे replace कर दिया? 3 by 11 V naught. कितना आ गया आपका? ये 3 by 11. तो इसको जब हम simplify करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 V naught 11 minus 9, that is 2 V naught. 2 V naught and that is V naught is 11 volts are 44. Your V naught here comes equal to 44 volt. So Rn, the formula for Rn is V naught divided by 1 ampere, that is your 44 ohm. So the value of your Rn is 44 ohm. So aap is tarike se ise find out kar sakte hain. Thank you.